ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक लव टैरो रीडिंग बनाने जा रहे हैं, जो कि 21 से मैं स्टार्ट करूंगी फॉर नेक्स्ट 7 डेज। लव टैरो रीडिंग अब मैं कोशिश करूंगी, लोग इसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, सो आई विल मेक इट एवरी 7 डेज में, हर एक हफ्ते में एक बार ज़रूर आए, बिकॉज आई एम मेकिंग इट फॉर 10 डेज, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू पुल आउट एनर्जी फॉर एटलीस्ट 7 डेज। तो ये 7 दिनों की रीडिंग होगी, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, देन आपके पार्टनर की लव मैसेज देखूंगी क्या आपके पार्टनर के आते हैं, एंड फाइनली हम गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स कि आपको इस सिचुएशन में क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, अगर आप में से किसी को भी रीडिंग करानी हो सो आप अपनी रीडिंग के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, पहले आप व्हाट्सएप करें, देन वी विल स्केड्यूल द टाइम एंड जो भी बुकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। एक बात और, कुछ लोग फ्री रीडिंग्स के लिए कहते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग फ्री रीडिंग्स के लिए ना बोला करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि फ्री रीडिंग्स ना करें, बिकॉज जनरल रीडिंग्स आई पोस्ट ऑन माई चैनल, तो आप वो देख सकते हैं। अगर पर्सनल एनर्जी निकालनी है सो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है, एंड रीडिंग्स आर पेड फॉर दैट। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, सो आप पे करके फ्रेंड्स उसको रीडिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्री रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि मैं सन साइन और मून साइन, या आप अपने नेम से रिगार्डिंग मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बस एक छोटा सा मैसेज आपको देना था। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन का आइकॉन ज़रूर करें, ताकि आपको पता, जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको पता चल पाए कि मैंने वीडियोस डाले हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सैजिटेरियस, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सैजिटेरियस, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, देन आपके पार्टनर की इस लव सिचुएशन में। सो 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो आप तो इस लव एंड रिलेशनशिप में सैजिटेरियस मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आप लोगों के साथ मिलकर एक तरह की ग्रोथ अबंडेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे जाकर क्लियर हों, आप लोग अच्छे से मिलकर सेलिब्रेशंस का पार्ट बने, और शायद आपको थोड़ी सी जल्दी भी है इन चीज़ों की, और आप इंट्यूशन से सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ भी रहे हैं। हालांकि आप नहीं चाहते कि आपसे जल्दबाजी में या किसी तरह से कुछ चीज़ें हो जाएं, या आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न भी मत लेना, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स से दिख रहा है आप फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। हो सकता है लोग आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हो, या किसी तरह की कुछ राय दे रहे हो। प्लीज़ डोंट टेक राय फ्रॉम पीपल, जो भी आपको करना है बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी पैशनेटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बट अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो चीज़ें आपके अनुसार बढ़ नहीं रही, या आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा। आप कहीं ना कहीं बहुत ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर सब कुछ आपके सामने क्लियर है, और फिलहाल आप शायद जैसे मौन धारण कर लेता है ना एक इंसान, जब चुप हो जाता है, जब बोलना छोड़ देता है लोगों के साथ, और बहुत साइलेंटली ही समझने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या है। बट एक नया साइकिल, एक नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरुआत होती मुझे नज़र आ रही है। अब आप देखना कि ये क्या है, और कहीं ना ये साइकिल आपको आगे चल के ग्रोथ अबंडेंस देगी, ऐसा नहीं है, ये आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, आपके आपको आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है, कुछ आपके लिए बुरा नहीं हो रहा। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस।
सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, द चैरियट, द डेविल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, देखो मुझे जहाँ तक इस आपके पार्टनर की दिख रही है, या तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे कुछ चीज़ों को लेकर और उन अपनी ही नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे और अब उस नेगेटिविटी से वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, उससे आगे निकलना चाहते हैं। अगर वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी में फंस गए थे या कोई बैड हैबिट्स में थे या किसी चीज़ में, जैसे होता ना जैसे इंसान फंस जाता है, फाइनली वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी तरह का प्रॉब्लम था उससे अब उनको बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। मे बी आप दोनों इन सब चीज़ों की वजह से नो कॉन्टैक्ट में आए, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, आप शायद समझ नहीं पाए चीज़ों को और आप बहुत ही डिफरेंट जोन में चले गए। लेकिन अब वो भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढूं, इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करूं, क्योंकि जो फियर्स उनके मन में हैं उन्हें, या जो दुख है या जो जो उन्होंने लॉस किया है, फ़िलहाल वो सिर्फ अपने लॉस को ही देख रहे हैं, जो उनके पास है उसे भी नहीं देख रहे, बट अपनी ज़िंदगी में वो उसे एक ब्यूटीफुल मोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। बट फर्स्ट वो डील कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी से, अपने उन सब ट्रॉमा से, उन सब चीज़ों से जो उनकी लाइफ में आई हैं। इस तरह की रीडिंग है उनकी फीलिंग्स की। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be all that your heart truly desire. तो कहीं ना कहीं भगवान की जो blessings हैं जो आपको मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी life में जल्दी आने वाली हैं और आप उसके लिए thanks करें और जो आपका दिल चाहता है ना वही आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी है। और देखो wait, don't rush into it, allow nature to take its course. तो कहीं ना कहीं wait करो, समय को भी, समय भी कहता है ना कि मुझे भी ज़रा सा समय दो, समय को भी समय चाहिए होता है कभी कभी चीज़ों को होने के लिए। सो गिव सम टाइम टू द थिंग्स, भागो मत, लेट द थिंग्स, लेट द चीज़ें कहते हैं ना अनफोल्ड होने दो, कुछ चीज़ों को अनफोल्ड होने दो। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ये कहना चाहते हैं आपसे। आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। सो डिवाइन सैजिटेरियस यानी धनु राशि को आप क्या बोलना चाहते हैं। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, खुद को देखो, अपने आप को इंगेज करो पूजा पाठ में, कहीं ना कहीं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, दुनिया के बारे में, रियलिटी ऑफ द लाइफ के बारे में देखने की कोशिश करो, क्या है, कैसे आपको ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड भी यही आ गया, थर्ड आई चक्रा, तीसरी आंख होती है ना जो हमारी, कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस, हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आई चक्रा टू एस्टैब्लिश अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस। सो बेसिकली भगवान से जब तक आप कनेक्ट करो, खुद से कनेक्ट करो, जब हम खुद से भगवान को कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे आंसर्स हमें खुद ही मिलने लग जाते हैं, जो हमें रियलिटी में वैसे नहीं मिल रहे होते, जो हम लोगों से पूछते हैं क्या करना चाहिए, मेरे को अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आप बताओ, आप बोलो, ऐसा होता है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में, किसी के ज़्यादा किसी के कम। तो वो चीज़ जो है उससे कहीं ना कहीं एक हेल्प मिलती है। तो यही वो कहना चाहते हैं कि खुद के साथ और डिवाइन के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो वो जो आंसर्स है ना वो आपको आने शुरू हो जाएंगे, वो जो डाउनलोड्स मिलते हैं ना ऊपर से, यूनिवर्स से, वो मिलने लग जाएंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस, होप आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। रीडिंग को प्लीज़ लाइक करना, अगर क्लेम करना, कॉमेंट करना इन वीडियो में। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।